नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अनिशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नोएडा 18 दिनों में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नोएडा पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने जिला स्वास्थ्य अस्पताल का जायजा लिया। नोएडा जिला अस्पताल में ब्रजेश पाठक विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की शुरुआत की है। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर चलाया गया है। योगी आदित्यनाथ के इस खास अभियान को नोएडा में हरी झंडी देने के लिए ब्रजेश पाठक जिले में आए हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत गोरखपुर से कर रहे हैं। नोएडा में हरी झंडी दिखाकर विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश की जनता सभी अस्पतालों में मरीजों को भगवान मानकर के हम सेवा कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में कोई दुखी नहीं मिलेगा, सबको दवाइयाँ मिले, उनको बेहतर इलाज मिले, डॉक्टरों का और पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा हो। हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, हमारे चिकित्सक बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि और भी बेहतर किया जा सके। लगातार इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर, गौतम बुद्ध नगर के अलावा जो प्रदेश की स्थिति है, प्रदेश के बाकी अस्पतालों की, तो लगता है कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति और बेहतर हुई है। और भी बेहतर करने का हम काम कर रहे हैं। किसी भी अस्पताल परिसर को, चाहे उपकेंद्र से लेकर पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, और भी बेहतर काम करें, लगातार हम सुधार कर रहे हैं। सर, लगातार स्टाफ तो अपना काम कर रहा है लेकिन सैलरी को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। चल रही है ये जो व्यवस्थाएं धीरे धीरे सब सुधर जाएंगी और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चले। कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य, उनकी चिंता हम करेंगे। सर, अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, कुछ खामियां निकल के सामने आई। खामियां क्या है, जैसे पर्चा काउंटर पर भीड़ अधिक है, यहाँ काउंटर बढ़ाने के लिए हमने कहा है भीड़ नहीं लगनी चाहिए। और जो महिलाएं आती हैं इलाज के लिए, उनको 45 मिनट से अधिक अस्पताल परिसर में रुकने नहीं देना है, उनका तत्काल इलाज करके उनको सकुशल घर भेजना है। सर बात करें, गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा जिला अस्पताल है और यहाँ पर लिफ्ट कई सालों से खराब पड़ी हुई है। लिफ्ट जो है कई सालों गड़बड़ है, महिलाएं भी आती हैं। मुझे सूचना मिली है, अभी सीएमओ साहब कहते हैं उसको जल्दी ठीक करें। लिफ्ट के साथ साथ इसमें आईसीयू की सुविधा नहीं है, जो जिला अस्पताल सबसे बड़ा माना जाता है। देखिए, सारी सुविधाएं धीरे धीरे सब उपलब्ध होंगी, आप देखिए बताओ नजर आएगा।